नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत करता हूं डिवाइनस क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है ICMR की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की रिपोर्ट आई है। वो ये है कि भारत में जल्दी वैक्सीन के लिए एक पोर्टल खोलने वाली है। तो ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसकी तरफ से ही है नोटिस जारी की गई है। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बातें कर ले तो यदि ये है कि देश के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने यह घोषणा की है कि भारत में जल्द ही अपना एक समर्पित वैक्सीन पोर्टल होगा। भारत में क्या है कि यहाँ पर एक समर्पित वैक्सीन पोर्टल जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। वर्तमान में ICMR भारत के पहले वैक्सीन पोर्टल की विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो भारत में वैक्सीन निकाय से संबंधित सभी जानकारियों के लिए एक डेटा संग्रह कर कोष के तौर पर काम करेगा। और ICMR द्वारा इस वैक्सीन पोर्टल को कथित तौर पर अगले सप्ताह तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन पोर्टल जो है, ये पूरी तरह से अभी काम चल रहा है इस पर। तो उम्मीद की जाती है कि अगले सप्ताह तक जो है इस पोर्टल को सार्वजनिक पूरी तरह से कर दिया जाएगा। और साथ में यदि देखें तो ICMR वैक्सीन पोर्टल आपकी जानने लग क्या बात है यहाँ पर, तो ICMR की जो वैक्सीन पोर्टल है वो पहले चरण में COVID-19 वैक्सीन से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करेगा और इसके बाद विभिन्न बीमारियों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों से संबंधित डेटा उपलब्ध करवाएगा और इस वेब पोर्टल को और मजबूत तथा उपयोगी बनाया जाएगा। आने वाले समय में क्या है कि इस पर धीरे धीरे काम किया जाएगा और हो सकता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हो हम भारतीयों के लिए। अगला पॉइंट है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म के तहत भारत में वैक्सीन के बारे में सभी अपडेट मिलेंगे। वर्तमान में सारी जानकारी बिखरी हुई है, इसलिए ICMR इस पोर्टल को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यह जैव चिकित्सा अनुसंधान का एक संस्थान है। यहाँ पर क्या है कि अभी यदि बात करें तो हाल में जो भी वैक्सीन आती है जिस चीज की भी, उसके बारे में डेटा जो हमें आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता, हमें अलग अलग सोर्स पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ICMR की जो ये वैक्सीन पोर्टल बनाई जा रही है, इस पर क्या होगा कि सारा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा, सारी वैक्सीन की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो वैक्सीन की इस पोर्टल पर सुधार की जाएगी, आपको वहां पर आपके आपसे रिलेटेड भी सारे डेटा वहां पर स्टोर की जाए। साथ ही यदि यहाँ पर देखें तो प्रारंभ में ICMR वैक्सीन पोर्टल केवल COVID-19 वैक्सीन के लिए डाटा प्रदर्शित करेगा, इसे बाद में अन्य टीकों की जानकारी के लिए भी अद्यतन किया जाएगा। और यदि देखें वैज्ञानिकों के अनुसार ICMR वैक्सीन पोर्टल में आम जनता के लिए विभिन्न खंड जैसे COVID-19 वैक्सीन, भारत की पहल, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल होंगे। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी पोर्टल पे, जैसे कि है कि COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड, भारत की पहल से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से रिलेटेड और अक्सर पूछे जाने वाले जो फ्रीक्वेंसली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको इस बारे में देखने को मिल जाएगा। यह वैक्सीन पोर्टल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध COVID-19 वैक्सीन से संबंधित जानकारी और सूचना हासिल करेगा। यह वैक्सीन जो है WHO से सारी जानकारी वहां से लेगा और आपको उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में भारत में 3 कोविड वैक्सीन प्रतिद्वंदी और ये सभी नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों में है, ठीक है। तो एक तो है कोविक्सिन, यह पहला वैक्सीन एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो दूसरा है जैकॉब डी, यह जो दूसरा फार्मा वैक्सीन है जो तैयार किया जा रहा है, DNA वैक्सीन है, यह क्या DNA वैक्सीन है। तीसरा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, यह तीसरा वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेटिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन है जिसे UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक्स्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और इस वैक्सीन प्रतिद्वंदी का विनिर्माण पार्टनर भारत की सीरम संस्थान है, सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पर इसकी प्रतिद्वंदी है। साथ में जो ये मिलकर पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से भारत में वैक्सीन के चरण में दो और चरण दो और चरण तीन के नैदानिक परीक्षणों को संचालन करने के लिए अनुमति मिली थी। और साथ में यदि देखिए अगले बात पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ICMR के साथ मिलकर अथक प्रयास कर रही है। और जहां तक भारत में एक तरफ मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी सहित सभी निवारक उपायों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वहीं कोविड वैक्सीन का विकास करना कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा वैक्सीन पोर्टल पे वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा यदि आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।